फ्रेंड्स, क्या आपको भी पीरियड में बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं या फिर आपको उन क्लॉट्स के साथ बहुत सारा दर्द हो रहा है? वैसे तो नॉर्मली भी पीरियड का दौर हर महिला के लिए बहुत ही पेनफुल टाइम होता है और इस दौरान आप ब्लीडिंग के अलावा मानसिक रूप से भी थका हुआ फील कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ पीरियड के दौरान निकलने वाले ब्लड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि पीरियड्स में निकलने वाले क्लॉट्स आपके लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में क्लॉट आने के रीजन क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान निकलने वाले ब्लड क्लॉट से महिलाओं को हर महीने पीरियड से होने वाले दर्द से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर महिलाएं इस समय के दौरान खुद को काफी कमजोर और स्वभाव से काफी चिड़चिड़ा फील करती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और दर्द उन्हें बहुत ज्यादा थकान दे देता है। वहीं ज्यादा ब्लीडिंग से शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को चक्कर और उल्टी जैसी दिक्कत भी आने लगती है और अक्सर महिलाएं पीरियड्स के दौरान होने वाले खून के बहाव पर ध्यान नहीं देती हैं, जो कि एकदम गलत है। आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन खून के गाढ़े थक्के देखकर आप डरे नहीं, बल्कि ऐसा अधिकतर महिलाओं के साथ होता है। अगर ब्लीडिंग में काफी गाढ़ा क्लॉट्स खून के साथ बाहर निकल रहा है तो जान लें कि यही क्लॉटिंग है, क्योंकि अगर खून के थक्के नहीं जमेंगे तो आपका ब्लड लगातार बहता ही रहेगा। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आपको चोट लगती है और खून बहने लगता है तो ऐसे में खून की क्लॉटिंग के कारण ही खून का बहना रुक जाता है और आपकी जो चोट होती है वो ठीक हो जाती है। इसके पीछे एक जटिल रासायनिक प्रोसेस है और ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वास्तव में जब आपके शरीर में पीरियड वाला ब्लड बाहर निकलने वाला होता है, उससे पहले ही शरीर एंटीकॉगुलेंट्स का डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और थक्के बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होने लगती है तो उसी समय क्लॉटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे शरीर से ज्यादा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। ज्यादा ब्लड निकलने से महिलाओं में आयरन की भी कमी हो जाती है। ऐसे में क्लॉटिंग शरीर के लिए फायदेमंद ही होती है। आपको हम ये बता दें कि सामान्य रूप से पीरियड ब्लीडिंग में क्लॉट बनना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, बल्कि ये पूरी तरीके से नॉर्मल होता है। हाँ, अगर किसी मेडिकल इन्फेक्शन या फिर मिसकैरेज की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ खास मामलों में ऐसा फाइब्रॉइड के कारण भी पाया गया है। हाल ही में एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि मीडियम उम्र की लगभग 70% महिलाएं फाइब्रॉइड की समस्या से पीड़ित हो रही हैं। कुछ महिलाओं में पीरियड की शुरुआती 5 सालों में और मेनोपॉज के ठीक 1 साल पहले ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होती है। इन दिनों ब्लीडिंग खुलकर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड बहना भी बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में आयरन और बाकी के जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। कुछ महिलाओं के ब्लड के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉट बनकर निकलते हैं। घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य प्रोसेस है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि पीरियड्स के दिनों में यूट्रस के अंदर की परत टूटकर बाहर निकलती है, जिससे ब्लड बहने लगता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना भी अच्छा नहीं होता है। दरअसल विटामिन के और फाइब्रिनोजन प्रोटीन चोट लगने पर खून को जमाना शुरू कर देता है। उसी तरह जब पीरियड्स आते हैं तो ये खून जमने लगता है, ताकि शरीर से ज़्यादा खून बाहर ना निकले। इसलिए ब्लड के थक्के बनकर निकलना अच्छी बात होती है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि इन थक्कों का जो साइज है वो क्या है। अगर थक्के आसानी से बाहर निकल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन थक्कों को बाहर निकालते टाइम दर्द हो रहा है तो समझ लें कि इनका साइज बढ़ गया है। ये ज़्यादातर उन महिलाओं को होता है जिनके यूट्रस में गांठ या फिर किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण और बड़े बड़े खून के थक्के बनने लगते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टरी चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉटिंग के साथ कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य घटना है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग के साथ थकान और कमजोरी भी आपको फील हो रही है तो ऐसे में एनीमिया होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा अगर सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप जरूर करवाएं और ऐसे समय पर अपना खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम वीडियो लाइव होने के एक घंटे के अंदर आए सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।